वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाला है और स्लोली स्लोली मैं वीडियोस डाल रहा हूँ फ्रेंड्स आपके लिए, और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। कस्टमर के प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं और मेरी जो इन्फॉर्मेशन है सारे हॉबीज के इसमें शेयर हो रही है, ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक के ऊपर बनाना है फ्रेंड्स, ये भी मुझे बता देना, क्योंकि मैं नेक्स्ट टॉपिक आपके हिसाब से बनाऊंगा, ठीक है। आज का टॉपिक था फ्रेंड्स टर्टल का, जो है जब सर्दी होती है टर्टल को निमोनिया होता है, ठीक है, जब वो सांस नहीं ले पाता है तो एक्चुअली उस टाइम टर्टल को क्या करना चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज क्या होता है फ्रेंड्स, जो भी हॉबीस्ट है या कस्टमर है उन्हें पता नहीं चलता है कि टर्टल को सर्दी हुई है, निमोनिया हुआ है, और वो उसे फीडिंग करते रहते हैं और नॉर्मल ट्रीटमेंट नहीं मिलती उसे। तो ये छोटे छोटे जो प्रिकॉशंस है, ये सिम्टम्स है, ये कैसा चेक करना है, ठीक है, हम सारे इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप बास्केट में देख रहे हैं फ्रेंड्स, देखिए ये बास्केट में दिख रहा है, ये टर्टल है, इसको दिख रहा नहीं है अभी, ठीक है, इसको दिख रहा नहीं है अभी। ये मैंने क्या किया, इसको कॉटन का जो ब्लैंकेट है इसके अंदर मैंने बास्केट में रखा। ये कस्टमर का टर्टल है, ठीक है, ये एक्टिव टर्टल है। कस्टमर बिल्कुल अवेयर नहीं था कि इसको निमोनिया हुआ है, लेकिन उसने जब मेरे शॉप में लाने के बाद मैंने उसके छाती को हाथ लगाया, चेस्ट को हाथ लगाया, तो खरखर सा महसूस होता है। जैसे हमें जब सर्दी होती है तब खरखर सा जैसा महसूस होता है, वैसे टर्टल को भी महसूस हुआ है मुझे, ठीक है। तो इससे मैं अभी निकालूंगा और इसको कैसा रखना है, ठीक है, जब टर्टल को सर्दी होती है तो कैसा रखना है आपको। ऐसा बास्केट लेना है, ठीक है, ऐसा बास्केट लेना है। ये कॉटन देख रहे हैं आप, ये ब्लैंकेट का मैंने कपड़ा लिया है ताकि ये अभी वार्म क्लाइमेट में रह पाए। मैंने ये बहुत एक्टिव टर्टल है, ये बीमार नहीं है, बीमार है, इसके आइज़ भी सूज गए। क्यों सूज गए, बिकॉज इसको दिख नहीं रहा है, विटामिन ए की कमी है। विटामिन ए का ये आइज़ का प्रॉब्लम का वीडियो मैंने एक दिन पहले डाला है, वो भी आप चेक कर लीजिए। और इसके छाती को मैं अभी हाथ लगा रहा हूँ तो मुझे खरखर सा महसूस हो रहा है, मतलब इसे अभी बहुत ज़्यादा सर्दी है और ये अभी सांस लेने में बहुत दिक्कत आ रही है इसको। अगर मैं इसको पूरे पानी में डालूँगा, हाई वाटर लेवल में डालूँगा, तो ये पानी के अंदर बैठ जाएगा। ये जितना इसके बॉडी के अंदर ताकत है वो हाथ पैर मारेगा, और खा लूँगा जितना भी इसके बॉडी के अंदर पावर है, ठीक है, वो हाथ पैर मारेगा, और जब थक जाएगा तब पानी के बॉटम के अंदर आके बैठ जाएगा, और फिर ये सांस नहीं ले पाएगा बिकॉज इसकी सर्दी है, और फिर उसी के कारण इसकी मौत हो सकती है, डेथ हो सकती है। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना है आपको। जब भी टर्टल को सर्दी हो जाती है तो आपको ड्राई रखना है, ठीक है, और ये पानी के बाहर खाना नहीं खाएगा, तो मिनिमम 1 इंच वाटर लेवल में आपको फूड डालना है और ये टर्टल को डाल देना है। ठंडा पानी अवॉइड करना है, वार्म वाटर में रखना है और फीडिंग देना है। फीडिंग आपको 20 मिनट या 30 मिनट तक करना है, बाद में आपको वापस से निकालना है, वापस से ये बास्केट में डालना है, ठीक है। तो ये प्रिकॉशन लेना है आपको, 2 से 3 दिन लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, 3-4 दिन के बाद ये ओके हो जाएगा। अभी इसको ये छाती में इसकी आवाज़ आ रही है, चेस्ट में खरखर सा महसूस हो रहा है सर्दी की वजह से, तो इसके हमें भाप देनी है, स्टीम देनी है, ओके। तो स्टीम हमारे घर में रेगुलर होता है, स्टीम की मशीन हमारे घर में रेगुलर होती है, ठीक है, ये हर एक के घर में रेगुलर दिखाई देंगे आपको। तो इसको वाफ कैसे देना है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पानी डाला है मैंने, और ये तो नॉर्मल यूज़ करते हैं, जब हमें सर्दी होती है तो हम इसको विक्स लगाते हैं और फिर वाफ लेते हैं, तो टर्टल को आपको विक्स नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये ऑन कर दूंगा मैं, और टर्टल को कितने डिस्टेंस के ऊपर आपको वाफ देनी है, ठीक है। तो ये मैंने ऑन कर दिया, तो मशीन अभी चालू हो गई मेरी, ठीक है। तो टर्टल को मैं ऐसा पकड़ूंगा, ये ऐसा पकड़ना है टर्टल को, ठीक है, ऐसा, और फिर दूर से वाप लेना है, दूर से देखिए इसके चेस्ट को स्टेम लग रही है, वाप लग रही है, इसको 2 मिनट तक ऐसा रखना है, ठीक है, हिलेगा लेकिन आपको उसको स्टेबल करना है, इसको हिलने नहीं देना है, और फिर आँखों को भी देना है, आँखों को भी उसको आराम मिलेगा, रिलीफ मिलेगा, और उसके ऊपर शेल है, ऊपर शेल को भी आपको वाप देनी है, ठीक है, ज़्यादा नज़दीक से नहीं देना है, ध्यान रखना उसको चटका लगेगा और फिर आपका काम पूरा उल्टा हो सकता है। ये थोड़ा आपको छोटे बच्चे को दूर रख के आपको ये प्रिकॉशन लेना है, ठीक है, रूम बंद करना है, बंद रूम में ये ट्रीटमेंट करना है आपको, क्योंकि इसमें अगर आप लापरवाही करेंगे तो आपको बहुत भारी पड़ सकता है ये टर्टल को, ठीक है। तो मैं अभी चेक कर रहा हूँ भाप कितना है, उसके हिसाब से मैं उसको ये कर रहा हूँ, और ये मैं 2-3 मॉर्निंग और इवनिंग करूँगा, आफ्टरनून को जब टाइम मिलता है तब करता हूँ। अभी कस्टमर को टाइम नहीं था, उनकी एग्जाम चल रही थी, इसके वजह से उन्होंने मेरे पास लाके दिया, तो मैंने देखा आपने लापरवाही का नतीजा, उसको ट्रीटमेंट दूंगा और ये ओके हो जाएगा, मुझे कॉन्फिडेंस है ये ओके होके मैं उनको दे दूंगा वापस, क्योंकि उनकी एग्जाम चल रही है, वो टाइम नहीं दे पा रहे, और इसको हम ऐसा लापरवाही नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो कस्टमर भी अच्छे थे, केयर टेकर थे, लेकिन कुछ कारण की वजह से इसको टाइम नहीं दे पा रहे थे, ठीक है। देखो थोड़ा आइज़ में अभी पानी आना स्टार्ट हो गया, तो मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ स्लोली, ठीक है, छाती को दूंगा, और मशीन का भी ध्यान रखना है, कंटिन्यू मशीन ऑन नहीं रखना है, बिकॉज ये इसका वायर बहुत नाजुक होता है, आपको बंद रखना है, 2 मिनट के गैप के अंदर वापस से आपको ये करना है, मतलब 2 मिनट आपको बंद रखना है मोटर,
स्टेम देने के बाद पानी में नहीं डालना है, ध्यान रखना ठंडा पानी होता है। आपको डायरेक्ट बास्केट में डालना है और इसको रैप करके बास्केट के अंदर छोड़ देना है, ठीक है। नाक को दूंगा, नाक में से जितना भी उसका वो है सब क्लियर हो जाएगा। देखो टर्टल को अभी पानी छूट रहा है, दिख रहा है पानी छूट रहा है टर्टल को, मतलब स्टेम अभी काम कर रही है उसके लिए, ठीक है। उसकी बॉडी अभी गर्म हो चुकी है, जो भी सर्दी हो गई उसको वो सर्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल हम कुछ दे नहीं सकते, इंजेक्शन कुछ दे नहीं सकते टर्टल को, तो हमें एक्सटर्नल ही ट्रीटमेंट देना है आपको टर्टल को, ठीक है। इतना ही करना है, ये छोटे छोटे चीज़ें हैं फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए। और मेरे सारे वीडियोज़ देखिए फ्रेंड्स, मेरे सारे वीडियोज़ देखिए, सारे मेरे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, मेरा पूरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो बहुत बड़ी बात है, बिकॉज इसके कोर्सेज भी होती है, लर्न करने को नहीं मिलता है। देखिए ठीक है, मैं अभी बंद कर रहा हूँ, ठीक है, और रात में दूंगा 8 बजे, ठीक है। ये ऐसा रखूँगा, इसको रख दिया और इसको रैप करके बास्केट के अंदर, बस इसको मैं अभी 8 बजे तक वैसे रखूँगा, 8 बजे पानी में डालूंगा, फीडिंग दूंगा। फीडिंग में ये ब्लड बॉम्स खाएंगे, दाने तो नहीं खाने वाला, बिकॉज अभी इसको दिख रहा तो नहीं है, ब्लड बॉम्स का स्मेल थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, तो स्मेल लेके वो खाना खाएगा। वापस से खाना खाने के बाद स्टिम दूंगा 15 मिनट 5 मिनट, और फिर वापस इसमें रख के कल सुबह ओपन करूँगा। 3 दिन का कोर्स है, 3 दिन के अंदर ओके हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें आपको कोई क्वेश्चन है फ्रेंड्स तो मुझे कमेंट्स में मेंशन कर देना, मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। हैव अ ग्रेट डे, बाय, टेक केयर, और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर बनाना है मुझे एक्सप्लेन करना, ठीक है।